थैंक यू। और तुम हमको अपना अकाउंट नंबर SMS करो तो फिर हम तुमको पैसे ट्रांसफर करता है। ठीक है ठीक है, खुदा हाफिज नबील। जानू क्या ये चीजें बेच कर आनी है? चुप करो नबील, मेरी सारी सोने की चीजें एक एक करके चोरी हो चुकी हैं। मसला नहीं जानू, नो प्रॉब्लम, मैं फिर बनवा दूंगा। नबील तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि सोने का रेट कितनी तेजी से बढ़ रहा है? 2 दिन में 5,000 रुपए ऊपर चढ़ गए। क्या? हाँ जानू, सोचो अगर यही रेट अपने सोने के बढ़ते तो हम किस कदर अमीर हो जाते, करोड़पति हो जाते। मजाक मत करो नबील, मुझे चांदी की फिक्र हो रही है, कुछ तो सोचो उसके बारे में। जानू जब तक तुम्हारे पापा जी जिंदा है ना, मुझे चांदी की कोई फिक्र नहीं। क्या? बस जानू दुआ करो खुदा उनको लंबी उम्र दे। नबील वो जानू तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं को टेंशन ले रहा हूँ? टेंशन तुम्हारे पापा जी को लेनी चाहिए। चांदी की शादी उन्होंने करनी है, हमारा क्या? हमने वहाँ जाकर बादामी कोरमा फोड़ने दे सोन। शरत नबील। ओके जानू। हुआ महमूद साहब, बिजली की तार तो नहीं है पीछे? अरे नबील, अरे शेर खान मुझे 10 लाख रुपया दे रहे हैं चूड़ियों के लिए। हाय आप मेरे लिए 10 लाख की चूड़ियां खरीद रहे हैं मंसूर? ओह आई लव यू। तुम तो चुप करो मोमो। नबील ये बताओ कि 10 लाख रुपए में कितने चूड़ियों के स्टॉल आएंगे? और गोली मारे चूड़ियों के स्टॉल को महमूद साहब। नहीं पुत्र, इस तरह तो चूड़ियां टूट जाएंगी। नबील ये तुम कैसी बातें कर रहे हो यार, हमने तो यही डिसाइड किया था ना। 10 लाख का सुनने के बाद मेरा प्लान चेंज हो गया महमूद साहब, अब हम को नया और बड़ा काम करेंगे। बड़ा काम क्या यार? महमूद साहब हम ना सोने का काम करेंगे, सोने का। उधर ये काम तो तू कई सालों से कर रहा है, इसमें नया क्या है? ओ माँ जी वो सोना नहीं, हम गोल्ड खरीदेंगे, गोल्ड। गोल्ड? हाँ। अरे गोल्ड क्यों भाई? गोल्ड इसलिए महमूद साहब के 2 दिन में गोल्ड की कीमत 5,000 रुपया ऊपर चली गई है। हाँ हम शेर खान के पैसों का गोल्ड खरीदेंगे और महीने में डबल पैसे कमाएंगे, डबल। देख लो नबील शेर खान नाराज ना हो जाए यार। अरे महमूद साहब वो सब मुझ पे छोड़ दें यार, पैसा आता हुआ किसे बुरा लगता है। मैं अभी दानिश ख्वाजा से कहता हूँ गोल्ड उठा ले गोल्ड। उधर इसका मतलब है एक बार फिर हमारी याशियों का टाइम शुरू हो गया। अम्मा जी।